हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉली ओयो में। बिग बॉस के घर से जाने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉली ओयो को। दोस्तों, शमिता से हो गई फिर से लड़ाई, गैंग अप करके सभी आए अक्षरा के सामने और एक साथ अक्षरा पे टूट पड़े, जहां पर दोस्तों सभी एक एक करके अक्षरा को अपनी अपनी ओर से उनकी गलतियां गिनवाते हुए नजर आए। जिसके बाद अक्षरा सबसे पहले तो पूछी कि आप लोग सब एक साथ आ रहे हो, सबका प्रॉब्लम है। तो उन लोगों ने एकदम सब ने काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव किया आप कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से किसी पे भी बिहेव नहीं करना चाहिए और ये गैंग अप लगता है। सामने सामने वो चीज़ दिख भी रही थी। अब उसके बाद आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब वो काफ़ी अच्छे तरह से जवाब देती है अक्षरा सिंह, अभी तक हमने देखा भी है ये कि वो एक बार भी बैकआउट नहीं करती है। कुछ भी हो जाए वो अपना 100% देती है। और आपको बता दूं कि सबको उन्होंने अकेले शांत करवा दिया, और हालांकि प्रतीक ने भी उनका साथ दिया, लेकिन उसके बाद जब वो रोते हुए नजर आई तो प्रतीक उनको मनाते हुए नजर आया। आपको बता दूं दोस्तों कि उन्होंने किस तरह से मनाया। प्रतीक ने उनसे कहा कि आप ये सभी चीज़ इससे नहीं डरते हैं, ये आपको भी पता है ना। तो इसके बाद उनसे हामी ली ताकि उनका जो है मूड फ्रेश हो और वो आपको समझ में आएगा जब आप एपिसोड में ये चीज़ दिखाया जाएगा। फिर आपको बता दूं दोस्तों कि उसके बाद यहाँ पे प्रतीक ने उनसे कहा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया, अभी भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन में एज ए कनेक्शन आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं आपके साथ ही हमेशा रहूँगा। सिचुएशन कोई भी होएगा, सिचुएशन बदलेंगे, लेकिन मैं आपके लिए कभी नहीं बदलूँगा। जो हमारा रिलेशन कनेक्शन है उसको मैं इसी तरह बरकरार रखूँगा। जिसके बाद अक्षरा सिंह जो रो रही थी वो काफ़ी हद तक ठीक होते हुए दिखाई दी। आपका इस पर क्या रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर अपडेट्स के देखते रहिए बॉली ओयो, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।